बच्चों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेशर ड्यू टू एयर। जैसे कि आपको पता है कि एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि आपको पता है एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, एयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, सम आर्गन, ये सब सारी गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम इस एयर को किसी कंटेनर में फिट कर दें, यानी कंटेनर में भर दें, तो क्या होगा? एयर क्या है? एक तरह का गैसियस स्टेट। एयर क्या है? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, होते नहीं होते। तो क्या होगा कि कंटेनर में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे और बाहर निकलने की क्या करेंगे? कोशिश, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और कभी कभी ऐसा एक समय आ जाता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है एक कंटेनर के अंदर कि वो कंटेनर को फाड़ के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ड्यू टू एयर। तो एयर में एक प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे बोलते हैं? वो प्रेशर जो एयर अप्लाई कर रही है। देखो आपको पता है हमारी जो अर्थ है उसमें एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर दिन में ओवर 100 डिग्री हो जाएगा और रात में माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो अर्थ के टेम्परेचर को क्या करती है? मेंटेन। तो एटमॉस्फेयर में तो जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है, वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है या जो प्रेशर जो एयर लगा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, मतलब किस किस चीज़ों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर वन होता है ड्रॉप। आपने देखा है दवाइयों की जो ड्रॉप होती है, प्रेस करते और दवाई अंदर भर जाती है और वो बाहर निकाल दी जाती है। बच्चों में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बच्चे टैबलेट वगैरह तो खाते हैं। ठीक, तो बच्चों में जो ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से जो दवाइयाँ उसके अंदर इंसर्ट होती हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बेस्ड है। दूसरा सिरिंज, आप सभी को इंजेक्शन वगैरह कभी ना कभी लगे होंगे, तो सिरिंज में आप देखते हो कि दवाई जब भरी जाती है तो हल्के से उसको पीछे से दबाया जाता है ताकि उस पर प्रेशर अप्लाइड हो सके और दवाई हमारी बॉडी में इंसर्ट हो सके। तो ये तो थी उसकी दूसरी एप्लीकेशन सिरिंज। तीसरी होता है हर्ट। देखो हमारी बॉडी में हर्ट होता है, हर्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, यानी कि पूरी बॉडी में ब्लड को क्या कर रहा है? वो सर्कुलेट। ठीक, तो वो सर्कुलेट कर रहा है, इसका मतलब वो भी प्रेशर का इस्तेमाल कर रहा है। और वो सर्कुलेट किसके थ्रू कर रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। हमारे हार्ट में ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरीज होती है, वीन्स होती हैं। आर्टरी में साफ ब्लड होता है, वीन्स में गंदा ब्लड होता है। तो हमारे हार्ट जो होता है वो ब्लड को आर्टरी वीन्स में क्या करता है? सर्कुलेट, यानी कि पंप करता है। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, समझ में आया आप सबको? नोट करिए।